हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं छोटा सा भाई क्रंच वीडियो तो बना नहीं सकती, फास्ट है, ठीक है, स्वेलो नहीं कर सकती, इसलिए मैं सोचा छोटा सा व्लॉग ही बना लेती हूँ। आज फास्ट है, आज सातवां नवरात्रा है और सबका फास्ट है घर में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि छठा और सातवां सारों का होता है, तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। ये वाला सूट वही है जो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि इसके साथ में क्या बनाऊं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने प्लाजो बोला था, बहुत सारे लोगों ने पैंट बोली थी, बहुत सारे लोगों ने सलवार बोली थी, तो मैंने सोचा मेरे पास प्लाजो भी है, नेवी ब्लू है इसका जो मतलब बॉटम पार्ट है वो नेवी ब्लू है, तो मेरे पास सलवार भी है नेवी ब्लू, मेरे पास प्लाजो भी है नेवी ब्लू मेरे पास, और हाँ बस। तो अब मेरे पास सिर्फ पैंट नहीं थी, तो मैंने इसके साथ पैंट बनाई है, ठीक है। दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं मशीन पे काम कर रही थी, तो बैठ के मैं सोचा यहीं पे थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। देखिए ये इमरजेंसी में मेरे को सूट सिल के देना है, आप विश्वास नहीं करोगे यार इस सूट की वजह से। कल भी मैं सारे दिन परेशान रही हूँ, मेरी बेटी है पीछे घूम रही है। बच्चों का भी फास्ट है, मेरे बच्चे भी फास्ट रखते हैं, आज से नहीं काफी टाइम से फास्ट रखते हैं, तो हम सभी का फास्ट है, मेरे बेटे का भी है। हेरा अब ये ठीक है और बिल्कुल, आप लोग पूछते हो आपका बच्चा ठीक है। सच में यार बहुत ज्यादा आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, सच बताऊं तो, क्योंकि भाई ये नहीं है कि तुम पास आओ या मतलब करो कुछ करो या कुछ हमें दो तभी हमें हिम्मत मिलती है, नहीं, बस थोड़ी सी मन को शांति देने वाली दो बात प्यार वाली भी बोल दो ना, तो इंसान उसमें भी मन शांत हो जाता है। तो बस यही मैं आप लोगों से बहुत बहुत आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट करा, सच में मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ तो अब आते हैं इसकी स्टोरी, इस सूट की स्टोरी। अभी आप ये देखिए मेरी मशीन ना, मैं जब घर गई थी उससे पहले मैं अपना एक सूट लेकर आई थी, तो मैंने उसकी फिटिंग करनी थी, तो मैं फिटिंग करने के लिए बैठ गई। तो जैसे ही मैं फिटिंग करने के लिए बैठी, एसी चल रहा है तो आपको आवाज आ रही होगी, मैं उसको पहले बंद कर देती हूँ। तो जब मैं वो सूट लेकर आई थी अपने लिए, तो मैंने ये मतलब फिटिंग करने के लिए इसको लेके बैठी, तो ये चली नहीं, मतलब चल रही थी सिलाई नहीं दे रही थी। बाद में पता चला मेरे बेटे ने इसमें कुछ फंसा दिया था जिसकी वजह से खराब हो गई थी। अब मैं घर से आई तो मेरी एक मतलब सामने ही रहती थी वो, अब वो कहीं और रहते हैं, उनका फोन आया कि उन्हें अर्जेंट सूट सिलवाना है। उनको खुद को आता है लेकिन वो सिल लेती है, लेकिन उनको मुझसे सिलवाना था, तो मैं उनको ये बताना भूल गई कि मेरी मशीन खराब हो गई है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है दीदी मैं सिल दूंगी आपका सूट, तो उन्होंने सूट भिजवा दिया। अब फिर जब सूट आ गया तब मेरे याद आया यार मशीन तो मेरी खराब पड़ी है, तीन चार दिन हो गए इंतजार करते करते, कोई आ जाए कोई आ जाए ठीक करने के लिए, कोई नहीं आया। फिर उनका फोन आया कि मुझे कल को ही सूट चाहिए, मतलब मुझे चाहिए आज, मतलब नहीं कल बोला था उन्होंने, मुझे कल चाहिए ही, कल चाहिए मेरे को छठे नवरात्रे पे। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ ना कटिंग हो रखी थी ना कुछ हो रखा था, सूट में कोई वर्क नहीं हो रहा था, ऐसा का ऐसा ही रखा था। तो फिर मैंने सूट की कटिंग करी, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मशीन ठीक नहीं है, मैं सूट कैसे सिल के दूंगी उनका। तो जो बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ पे मशीन ठीक करने वाले आते हैं, मैंने एक बजे तक वेट करा, कोई नहीं आया यार, जब जरूरत पड़ती है जब कोई नहीं आता, कल कोई भी नहीं आया। फिर मैंने हस्बैंड से बोला तो कह रहे कि नीचे से मम्मी की मशीन ले आ, मैं मम्मी की मशीन लेकर आई तो वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब चल रही थी, उसकी सिलाई बहुत खराब आ रही थी। तो मैं किसी और का सूट ऐसी बेकार सिलाई से सिलके नहीं दे सकती, अपने घर में तो चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। फिर मैंने फोन किया कि मशीन नहीं मिल रही मुझे, फिर मेरे हस्बैंड आए, ये देखिए आप, ऑफिस से मेरे हस्बैंड आए, कोई मशीन ठीक करने वाला नहीं मिला, फिर हमने मशीन खोली, फोन में देख देख के हमने मशीन ठीक करी, फिर 6 बजे सूट जाना था, 4 बजे के बाद में सूट सिलने बैठी, फिर मैंने इसके साथ ये पैंट बनाई। सूट ये अस्तर वाला है, तो इसमें बेसिकली इसमें टाइम लगता, डबल काम होता है अस्तर वाले सूट में, और इसकी जो स्टिचिंग है वो थोड़ी अलग है, इसमें पूरे सूट में पाइपिंग भी देनी है, तो आपको पता है पाइपिंग जब हम लगाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो ये देख लीजिए, कल फिर 6:30 बज गए, 6 बजे देना था, 6:30 बज गए, वो लड़का आया, उनका कह रहा कि आंटी जी सूट हो गया, मैं कि भाई अभी थोड़ा सा रह रहा है। तो फिर मैंने उनसे बात करी कि दीदी आपको अगर चल जाए तो मैं आपको सूट कल दे दूं, क्योंकि देखो बच्चों का भी मेरे फास्ट था, मेरा भी था, मेरे हस्बैंड का भी था, सबका फास्ट था, और नीचे का भी खाना बना के देना था। तो मैंने कहा कि दीदी मैं सूट आपको कल दे दूंगी, और मेरा फास्ट है और बच्चों का भी, तो मुझे खाना बनाना उन सभी के लिए। तो हाँ, तो
सॉरी वीडियो कट हो गया था, तो मैं बोल रही थी कि फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे खाना बनाना, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं आप कल दे देना। तो फिर उस लड़के को मैंने भेज दिया, वो चला गया। अभी रात को ही मशीन फिर गड़बड़ कर रही थी, इसलिए मुझे उनको मना करना पड़ा वो दोबारा से। फिर रात को फिर हमने दोबारा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इस मशीन को खोला, खाना वाना बना के खा के पूजा वूजा करके सारे काम करके, फिर मैं कि अब मशीन मुझे ठीक करके दो क्योंकि कल आप ऑफिस चले जाओगे, आज ऑफिस में उनकी मीटिंग है, वो आज छुट्टी भी नहीं कर सकते थे और ना ही आज जल्दी आ सकते थे। कल वो आ गए थे, आज मीटिंग है तो बड़े बड़े डॉक्टर्स आने वाले हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग है, तो इसलिए मैं भाई नहीं कर पाई। मतलब मैंने कहा कि मुझे रात को ही करके दो। अभी आप ये देख लो, इसको ठीक करते 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 हम दोनों को एक बज गया, सुबह की लगी हुई थी, मैं सुबह से वेट कर रही थी कल का मशीन, पूरा दिन हमें ऐसी हो गया जबकि हमारा फास्ट था, और पूरा दिन मैंने मशीन वाले का इंतजार किया, फिर सूट सिला, फिर शाम का खाना बनाया, और खाना खाने के बाद फटाक से फिर इस मशीन को ठीक करने बैठ गए। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मतलब मशीन ठीक करने वाले मिल जाएं, दुकान यहाँ पे नहीं है किसी भी मैकेनिक की, इसीलिए हम ज्यादा परेशान हो गए। और मैं ऐसा ही बताऊं तो क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं सिल के दे दूंगी, इसीलिए भाई मुझसे मना नहीं हुआ। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो चीज मैंने कह दी कि मुझे करनी है वो मैं कर ही देती हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कह देते हैं कि हम करेंगे करेंगे लेकिन करते नहीं है। मेरी आदत ये है कि जो मैंने कह दिया वो मुझे करना है। तो अभी आप ये देख लो, फिर आज का टाइम उन्होंने दे दिया, वैसे तो आज शाम तक का टाइम मेरे पास है लेकिन नहीं, पहले मैं अभी मैंने घर का काम वाम कर लिया, पूजा वूजा सब कुछ हो गई, तो आप पहले मैं ये सूट ही कंप्लीट करने बैठ गई हूँ। ठीक है, सुंदर सूट है, काफी बहुत ही अच्छा सूट है, पैंट वाला है, देखिए बैक कैमरे से दिखा सकती हूँ, ये मेरा दूसरा फोन है मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा हाँ, ये इसमें ना वीडियो कट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, बैक कैमरे से ऐसे हो नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मैं बाद में दिखा दूंगी, लेकिन हाँ पर मैं अभी सूट को करके दे दूंगी। सच में मेरा रात को मुझे नींद भी नहीं आई कि यार मतलब मैं कर नहीं पाई अपने बताए हुए टाइम पे, लेकिन फिर मैंने उसे सॉरी बोल दिया था कि चलो भाई मैं कल दे दूंगी, तो उन्होंने मुझे टाइम। तो फ्रेंड्स बस मुझे यही कहना था, और वीडियो फास्ट था तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, तो थैंक यू सो मच, और बताइएगा जरूर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। चलो वीडियो मैं कल डाल दूंगी, कल तो हम खा सकते हैं। छह सेकंड का ही तो मैं इसमें दिया था।